हम कोलोरा X6 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में टूल्स का यूज सीख रहे हैं। तो अब हम ट्विल टूल का यूज सीखेंगे। कोलोरा को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है और इसको कोई भी कलर लगा देते हैं ताकि आपके ऊपर आपको जो इसके अंदर जो भी इफेक्ट लगे आपको वाजिया तौर पे नजर आए। जो हमारा दूसरा टूल है शेप टूल, उस पर क्लिक करके रखते हैं तो बाकी टूल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है हमारा छठे नंबर पर ट्विल टूल मौजूद है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये टूल सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये शेप टूल वाले के अंदर हमने जो स्मग ब्रश टूल देखा था, रफन टूल देखा था, स्मीयर टूल देखा था, ये ट्विल टूल है। उसके बाद जो दो टूल हैं ये सारे टूल ज़्यादातर आउटलाइन पर ही काम करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पर मुख्तलिफ इफेक्ट्स देने के लिए ये टूल यूज़ होते हैं। ये जो ट्विल टूल है ये भी कोलोरा X6 और उससे जो बाद में आने वाले वर्जन हैं उनमें ऐड किया गया है। X5 या उससे पुरानों में ये ऐड नहीं था। और ये बहुत ही अच्छा टूल है और इसकी मदद से आप काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट्स बगैर किसी मेहनत के बना सकते हैं। हम अपने इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट की किसी किनारे पर आके क्लिक को दबा के रखते हैं तो आप ये देखें इसके अंदर किस तरह रिंग सा इफेक्ट आ रहा है। जितनी देर आप क्लिक को दबा के रखेंगे उतने ज़्यादा जो उसके रिंग हैं वो बनते जाएंगे। ये देखिए सिर्फ एक क्लिक से कितना खूबसूरत इफेक्ट बन रहा है। जितनी देर क्लिक रखेंगे उतनी गहरे और ज्यादा बनते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर काफी खूबसूरत से इफेक्ट्स डाल सकते हैं और अपनी किसी भी शेप को काफी खूबसूरत इफेक्ट्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम इस टूल से सेटिंग्स चेंज करके और ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं और इफेक्ट्स में चेंजिंग पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोल जेड करते हैं इसको ताकि ये वापस अपनी असली हालत में आ जाए। जो फर्स्ट ऑप्शन बार में ऊपर आपको प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं टूल की वो है निब, निब रेडियस। ये है जो हमारी जो टूल का साइज है इससे हम ये 1 इंच है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख के एंटर करते हैं अब ये 2 इंच हो गया, टूल का साइज बड़ा हो गया तो जारी बात है वो बड़े साइज में अफेक्ट भी बड़ा बनाएगा। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जैसे आपको बेहतर लगे आप उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। हम वापस इसको 1 इंच कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो रेट की है। इसमें 20 हुआ है और इसको आप मैक्सिमम 100 तक कर सकते हैं। ये दरअसल इस टूल के काम करने की स्पीड है। देखिए मैंने इसको 20 से 100 कर दिया है। अब हम क्लिक करते हैं तो देखिए कितनी स्पीड के साथ वो वर्किंग कर रहा है और जल्दी से जल्दी स्प्रिंग से बनते जा रहे हैं। उसके अंदर वो इफेक्ट जो है बड़ी तेज़ी से आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप इस तरह इसके अंदर उसकी स्पीड को हैंडल कर सकते हैं। हम इसकी स्पीड को 50 कर लेते हैं, 50 लिख के एंटर किया है। और अब आप इस पर क्लिक करें तो ये 20 से ज़्यादा और 100 से कम दरमियान इसी स्पीड में चल रहा है। हम वापस इसको 20 कर देंगे तो ये फिर अपनी रियल स्पीड के साथ चलेगा, ठीक है। तो आप इधर से ये एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पेन प्रेशर, पेन प्रेशर जो है अगर आप इसको सेलेक्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा कि ये आपकी जो इफेक्ट है उसके अंदर यानी कि जो प्रेशर है उस इफेक्ट का वो तेज़ रखेगा और उसके अंदर जो इफेक्ट हैं वो और ज़्यादा वाजे आएंगे। अब हम एक चीज़ जो लास्ट इसके अंदर ऑप्शन बार में रहेगी वो इसकी डायरेक्शन है। हम इसके ऊपर क्लिक को दबा के रखते हैं तो देखें ये राइट से लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, यानी कि जो हमारा कोई सर्कल स्टार्ट होता है वो लाइट राइट साइड से स्टार्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ जाने लग जाता है और वहाँ पर घूमने लग जाता है। तो इस तरह हम इसको, ये तो इसका आप इसको डिफॉल्ट कह सकते हैं। अब हम कहते हैं कि इसका उलट यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो यहाँ पर क्लॉक वाइज लिखा है, क्लॉक वाइज ट्विल पे क्लिक कर लेते हैं। अब जब हम इस क्लिक करेंगे तो अब ये क्लॉक वाइज जैसे क्लॉक चलता है, घड़ी की सुइयां चलती हैं उस अंदाज में उस साइड पे यानी कि लेफ्ट से राइट ये वर्किंग करेगा और वैसे उस साइड पे घूमेगा। तो इस टूल से आप इस तरह के इफेक्ट्स डाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम इसका एक लाइन लगा के उस लाइन पर देख लेते हैं। हमने ये सीधी लाइन लगाई हुई है और अब हम इस लाइन के ऊपर आके ऐसे ही इस टूल को दबा के रखते हैं तो आप ये देखें उस लाइन को वो कैसे उसी इफेक्ट में चेंज कर रहा है। देखें जरा सी मेहनत से, बल्कि मेहनत आपको तो करनी नहीं पड़ी, सारी तो मेहनत टूल की है, तो उसके अंदर आप कैसे खूबसूरत से इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं और इस तरह के इफेक्ट्स बना के आप किसी भी फ्रेम के बॉर्डर्स या और किसी भी जगह पर ऐसे डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं।